नागपुर नगर निगम, नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्रीन विजल फाउंडेशन द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से आयोजित हरित शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर बताया कि ट्रांसपोर्ट को इको फ्रेंडली बनाना, शहर में किस तरह से पर्यावरण पूरक कार्य करना है, ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिज देशमुख, वीसीएन न्यूज, नागपुर। हमने आज दो प्रोग्राम्स रखे हैं, आज NMC के साथ मिलकर और नागपुर स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर हमने आज NMC हेडक्वार्टर्स में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें अर्थ डे के क्या विचारधारा है, अर्थ डे कैसे आया उस बारे में चर्चा हुई और हम लोग कैसे अर्थ डे मना सकते हैं, रोज़ क्या क्या हम लोग प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं, लो कार्बन लाइफस्टाइल्स हो गया, इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस हम लोग अपना सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन जो चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं, क्लाइमेट लिटरेसी हम लोग को एडवोकेट करना है, इस बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई। इसके साथ हम लोग शाम में दोपहर में महाराज बाग में एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं जिसमें हम आम आदमी को, जनता को हम लोग अवरुद्ध कराएंगे कि आप लोग को कैसे छोटी छोटी चीज़ें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनानी है ताकि आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपना के आप हमारे पृथ्वी को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि क्लाइमेट क्राइसिस एकदम ऊंचाई पे है और अभी नहीं किया जाएगा तो आगे भी नहीं हो पाएगा। जैसे थीम बोलता है इन्वेस्ट इन योर प्लानट, तो अभी आपको इन्वेस्ट करना है, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर अभी आप नहीं करते हैं तो आगे चलकर आप जीवित नहीं रह पाएंगे, आपके आने वाले बच्चे जीवित नहीं रह पाएंगे। पृथ्वी तो सस्टेन कर सकती है क्योंकि मास एक्सटिंक्शन होते आया है, होते रहेगा, लेकिन हम लोग के ऊपर ये पृथ्वी मार्क देने वाली है। आज वर्ल्ड अर्थ डे आप हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके ये मौके पे इस साल का जो थीम है इन्वेस्ट इन प्लानट, अर्थ डे जो अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है ये रियलिटी है एंड अपना एक में वह जनरेशन है, इसको रियलिटी को स्वीकारना चाहिए एंड काम करने के लिए भी अपने पास मौका है, समय है। सो ये क्रिटिकल टाइम है, इसके समय पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, इस पे सरकार काम करेगा और आदमी काम करेगा, ऐसे नहीं कि ये सबका कलेक्टिव मिशन स्वरूप में काम करने के लिए एक ड्राइव आज से शुरू कर रहे हैं। इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों का लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कर सकते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम कर सकते हैं, अपना शहर में और पर्यावरण फ्रेंडली एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे इको फ्रेंडली करने का, ऐसे प्रकार का बड़ा कैंपेन आज शुरू करने वाले। इसके अलावा इस सब इकट्ठा करके अपना जो शहर का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान में भी ये सब शामिल करना जाएगा। सो ऐसे एक अर्थ डे का मौका लेके हम सब आज शुरू कर दिए, आने वाले समय पर हर आदमी तक पहुँचने का हमारा अपेक्षा है। सी अल्टीमेटली डेवलपमेंट इज़ गोइंग टू हैपन, डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करने का ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोक संख्या बढ़ने वाले, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ने वाले, एक्टिविटीज़ बढ़ने वाले, सो डेवलपमेंट के साथ पर्यावरण कैसे बचाने का ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए अपने अर्बन स्पेसेस है, मियावाकी प्लांटेशन है, रोड साइड प्लांटेशन, ऐसी सारी चीज़ के भी ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और कैसे प्रकार के पर्यावरण को भी रक्षा करके अपने डेवलपमेंट को भी कैसे प्रकार के आगे बढ़ते जाएंगे उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। थैंक यू।